हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयता नाबू। और आप लोग कैसे हैं? और हम लोग भी ठीक है। और आज मंडे, थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, तो आनम ने स्कूल गया ऑलरेडी। तो उसके जाने के बाद मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। आज मंडे का है तो आनम ने तो जल्दी स्कूल चला गया है 10 बजे। तो सुबह पॉसिबल नहीं होता मेरे को, क्योंकि आनम सुबह बहुत टाइम लगते उसके पीछे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं कर किया। तो अभी से मैंने स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने सब्जी काट कर लिए सारे सब्जी, और मैंने अभी खाना बनाने जा रही हूँ जल्दी जल्दी, लेट हो गया ऑलरेडी। तो मैंने आज चिकन बनाएंगे और वेजिटेबल बनाएंगे और कॉलीफ्लावर से आलू भुजिया करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, ये है राइस ब्रैन ऑयल दिया मैंने, थोड़ा सा जीरा और प्याज, थोड़ा सा सॉल्ट ताकि जल्दी जल्दी प्याज गल जाए। और मैंने अभी चिकन बना रही हूँ, और चिकन प्याज में मैंने दे रही है खड़ा मसाले, लौंग इलायची दालचीनी एंड तेज़पत्ता। और आज का चिकन में मैंने तीखा ज़्यादा नहीं दूंगी, ब्लैक पेपर में हो जाएंगे। और एक दो ग्रीन चिली दूंगी मैं। यह है कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी को मैंने थोड़ा रोस्टेड करके लेती हूँ, और उसके बाद इसको क्रश करके, और जब चिकन मटन और जो सब्जी वगैरह है ना वो उसमें डालना है, तो उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छी लगता है। अब प्याज को मैंने ब्राउन करके फ्राई, थोड़ा हो गया। अब मैंने सारे मसाला डाल दूँगी, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, मसाला जल ना जाए इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, उसके बाद मसाला डाल दूँगी। मैंने कोरिएंडर पाउडर दे दिया, आप डाल दूंगी। ये है जीरा पाउडर, ये है हल्दी पाउडर। सारे मसाला को अच्छी तरह से मुझे भूनना है। उसके बाद देंगे मैंने ये है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 2 टी टेबल स्पून, 1/2 किलो चिकन में इतना ही देना है। मसाला भून चुके ऑलरेडी देखिए, और चिकन के साथ भी मसाला को अच्छी तरह से भूनना है मुझे। ये देखिए चिकन, और चिकन में मैंने आज पोटैटो डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू हम सबको बहुत पसंद है। ये है पोटैटो, आलू आनम को भी बहुत पसंद है। जब बड़ा बड़ा पीसेस करके मैंने आलू दिया, और जो मसाला है तो आलू इसीलिए लिया क्योंकि आलू वो मसाला से एडजस्ट हो जाएंगे और ज़्यादा मसाला नहीं होगा। और चिकन मैं एक एक दिन एक एक तरीक़ा से बनाती हूँ। कभी कभी मैंने ग्रेवी बनाती हूँ, कभी बंगाली में जो कसा कसा चिकन उसको बनाती हूँ, कभी कभी मैंने सूखा सूखा बनाती हूँ, कभी कभी मैंने हेल्दी सूप बनाती हूँ। तो आज इस तरीके से बनाएंगी मैं। ये है ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अब दिया मैंने गर्म मसाला पाउडर, और इधर मैंने आलू के साथ प्याज कोली भाजी और बड़बड़ी भाजी बनाएंगे जल्दी जल्दी। सॉल्ट, यह है पिंक सॉल्ट, मैं हमेशा पिंक सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि पिंक सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होता है। पोटैटो, बड़बटी, इसको थोड़ा कुक हो जाए, और आलू और बड़बटी थोड़ा कुक हो जाए, उसके बाद मैं दूंगी प्याज कोली। मैंने आलू के साथ प्याज कोली अलग अलग कभी कभी बनाती हूँ, और मैंने सारे एक साथ मिला के फ्राई कर रही हूँ। तो अलग अलग बनाना भी अच्छी होता है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने सब एक साथ मिला के बनाने जा रही हूँ। उसके बाद बनाऊंगी साग हल्दी पाउडर और थोड़ा सॉल्ट दिया मैंने। अभी विंटर सीजन है तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जी वगैरह मिलते हैं इधर और इस बैंगल में। अब उन्हें सब्जी लेके आए, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा सारी सब्जी एक साथ बनाने के लिए, चिकन और सब्जी। आज मैंने चिकन बनाया इसलिए सब्जी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चिकन रहते तो सब्जी कोई खाती नहीं, इसलिए। और हम थोड़ा वेजिटेबल पसंद करते हैं, लेकिन वो तो अलग तरीके से, उसको बॉईल करके फ्राई करके देना है, तो आप पसंद करते। अभी सारे चीज़ें मिला के दिया, अब मैं इसको बंद कर दूँगी।
और इसमें मैंने एक प्लेट डाल देती हूँ गैस ठोकर, सारे जो स्पून रहता है ना तो इसमें रखना आसान हो जाते, तो फिर ताकि गैस ठोकर गंदा ना लगे और इसको रखने की एक जगह मिल जाए। पालक शाक को मैंने इस तरह से चौपट कर लिया। मैंने ये जो टावल है ना इसी से मैंने जो चना है वो ढक कर रख दिया। ये देखिए कितना अच्छा से अंकुरित होने लगा। ये नेट वाला जो है ये प्लेट इस पे का ऊपर मैं रखती हूँ और ये टावल मैंने बार बार गीला करके रखती हूँ ताकि एक दिन में ही ज़्यादा हो जाती मेरा। इस तरह से मैं बनाती हूँ अंकुरित चना, ये चना स्प्राउट। और अब मैंने आलू का भाजी में प्याज को ऐड कर दूंगी। ये जो भाजी है ना बहुत टेस्टी होता है सारे मिला के साथ, मुझे बहुत पसंद है। हम लोग बंगाली स्टाइल में खाना बनाती हूँ, ज़्यादा बंगाली है हम लोग सब, तो मुझे बंगाली का खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं बंगाली स्टाइल में ज़्यादा खाना बनाती हूँ। इधर का सारे खाना बनाना आदत है और मेरा यूट्यूब चैनल में इंडियन यूट्यूबर आदर नबू में बहुत सारे रेसिपी डाल दिया पहले, तो अब मैंने सोचा और मैंने ब्लॉग करूँ इसलिए मैंने ब्लॉग में ही सारे डाल रही हूँ। जो थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए वही दिखाएंगे। और इधर मैंने शाक फोरन दे दिया। और आप टाइम हो रहे 12:15, अभी रूम का बगल है स्कूल, तो अनमकल लेने के लिए जाना है अभी और फिर अनमकल लेके फिर मिलती हूँ। खाना तो ऑलमोस्ट हो चुकी, अभी आनम को लेने के लिए जाना है क्योंकि उसका छुट्टी 12 बजे। आनम आज स्कूल में गया ड्रेस पहन के, आनम का ड्रेस आ गई तो आनम आज ड्रेस पहन के स्कूल गए एक्साइटेड। और आनम खुश है, सुबह रोया था लेकिन अभी खुश है। ये आनम का दीदी आया लिया दीदी। और देखिए फ्रेंड्स आनम कैसे, इसको कैसे लग रहा ड्रेस में। और अभी अनम स्कूल से आ गई, स्कूल से आके ओ देखो अनम हाय करो, बोला हाय फ्रेंड्स। ये देखो अनम क्या कर रहे फ्रेंड्स, स्कूल से आके ओ अभी मेरा बात नहीं सुन रहे, खुद घूम रहे। ए अनम हेलो फ्रेंड्स, अभी अनम स्कूल से आने के बाद सो गया, अभी 3 बज रहे। अनम आज लेट में सोया, हम ऐसे करते हर टाइम लेट में ही सोते, फिर शाम में उठ जाते और उठने के बाद भी लेट में सो जाते रात में। तो इसी के बाद अनम को आज कुछ दिन से इसको खाना पीना ठीक से नहीं हो रहे, वो इरिटेट हो जाते थोड़ा में, इसीलिए मेरा स्कूल से आने के बाद उसको खिलाया और खाया भी नहीं, रोते रोते सो गया। और उसके बाद वो सोने के बाद अभी मैं सारे काम करूँगी फिर, और सारे फोल्ड वगैरह करना है, कपड़ा सुखाना है। और ये बैलकनी का हालत है, बिगड़ चुका ऑलरेडी, काम करके चला गया, अभी क्लीन भी करना पड़ेगा। और सारे ट्रीज वगैरह ऐसे पड़ा हुआ कुछ दिनों से, जब से बैलकनी का काम कर रहा था तब से ही ट्री का हालत खराब हुआ, तो इसको मैंने आज केयर करूँगी। इसमें पानी वगैरह देना है मुझे और इसका लीफ थोड़ा खराब हो गया, इसको पानी के बजाय देखिए सूखा सूखा हो गया। 2 दिन हम लोग बिजी था, सैटरडे एंड संडे, तो हम लोग मामा का घर में गया था, फिर मेहमान आई घर में, तो इसी की वजह मैं थोड़ा बिजी था। ये प्लांट कितना लंबा होते जा रहे, ये बहुत लंबा हो जाएगी। अनम सो रही, बेडशीट मैंने धुल दिया था तो अभी लगाने के टाइम भी नहीं मिला, अनम सो गया, उठने के बाद ही बेडशीट लगाएंगे। और ये सारे कारपेट छत पे दिया धूप पे, तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेट है, अबू ने लेके आया और इसे रख दिया पे, मैंने अभी तक इसका बिछाया नहीं तो इसको बिछा लेंगे अभी। मतलब व्यूअर्स बहुत देर के बाद फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, 5:10, तो अभी खाना हमने अभी तक नींद से नहीं उठा, दोपहर में जब हम लंच किए तो देखा नहीं पाया था मैंने आज। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये कढ़ाई में अनम के लिए पॉपकॉर्न, अनम बहुत पॉपकॉर्न पसंद करते हैं इसलिए इसके लिए बनाने जा रहा पॉपकॉर्न। अनम बहुत खुश है, अनम को दिखा रहे मैं कैसे पॉपकॉर्न होते, अनम देख रहे खड़ा होके मेरे साथ। ये है पॉपकॉर्न, अभी मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पनीर। पनीर मैं सबके लिए बनाएंगी, जो 1.5 किलो दूध का पनीर मैं आज बनाएंगी, इसके लिए मैंने सारे जूस निकाल लेंगे। यह है लेमन जूस,
और मैंने मिल्क को उबालने के बैठा दिया, एक उबाला जाए फिर मैंने लेमन जूस डाल देंगे। और मैंने लेमन जूस डाल दिया मिल्क में, ये देखिए उबाल आ चुके ऑलरेडी, तो मैंने लेमन जूस डाल दिया और लेमन जूस डालते ही हो गया ऑलरेडी पनीर बन के रेडी। अभी मैंने 2 मिनट बाद इसको छान लेंगे छलनी से, पूरा मिल्क और पानी दोनों अलग हो गया। और मैंने अभी गैस फ्लेम बंद ऑफ कर देंगे। ये 1.5 किलो मिल्क है, तो मैंने मुझे लग रहे ये जो मिल्क मैन है ना, तो प्योर मिल्क मुझे नहीं दिया, थोड़ा ज़्यादा ही पानी है। देखो 1.5 किलो मिल्क में इतना कम सा पनीर होगा, सारे पानी। अभी ये है छलनी, ये वाला बिग छलनी है, इसके में ऊपर मैंने पनीर को छान लूँगी। और अनम नींद से उठने के बाद बहुत जोर है, ये है पनीर, मैंने ये नेट पे डाल दिया, मैंने इसको एक जगह में रख देंगे, इसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी सब झड़ जाएगा, फिर इसको बात के मैंने पनीर के लिए रख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने जो पनीर घर में बनाया था वो बना के रेडी हो गया ऑलरेडी, मैंने पानी चढ़ा के इस तरह के बांध करके रख दिया, तो इस तरह से हो गया, तो अभी तक सॉफ्ट है, तो ये मैंने ओवर नाइट के लिए रख दूँगी, तो अभी हार्ड हो जाएगा, फिर मैं कल सुबह बनाएंगी। अभी सेटिंग नहीं हुआ, इसको सेटिंग करने के लिए इसको चपा के रखना है, तो रख दूँगी तो सेटिंग हो जाएगी। और अनम उसका जो हॉर्स है, तो अनम ने ऐसे बैठा के गया, उसका हॉर्स का ऊपर डॉल को बैठाया और उसके पैर में ऐसे लगा दिया। अनम ऐसे पानी वानी काम करते हर टाइम, और अभी देखो कैसे देख रहे। अनम आज बहुत रोया, अनम आज बहुत रोया, ठीक से खाना नहीं खाया और स्कूल का शू पहन के घूम रहे, तो मैं कुछ बोलूँ तब रोने लगते, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहे। और ठंडा भी लग गया, और मैं कुछ भी बोलने जाऊँ ना इतना रोने लगते, तो मुझे डर लगता है अनम को कुछ बोलूँ मैं, तो इसी तरह अनम रात 10 बज गए ऑलरेडी, वो ऐसे खेल रहे। मैंने बहुत कोशिश किया शाम से खिलाने की, थोड़ा बहुत वो नींद से उठने के बाद कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैंने वीडियो अपन नहीं कर रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहे, तो क्या करूँ अभी, कुछ खाने के लिए उसको ट्राई करना है मुझे अभी, ताकि वो थोड़ा अच्छी से खाना खा के सो जाए। वो अभी स्कूल जाते हैं तो उसका हेल्थ ठीक रहना चाहिए, उसको खाना पीना ठीक करना चाहिए। स्कूल का शू पहन के घूम रहे देखो, और कैसे ड्रेस पहन के घूम रहे, वो अकेले रहते कोई है ही नहीं, तो फिर इसीलिए अनम जितना उसका टॉयज है सारे ये फैला के खेलते, और जहाँ पे जो सामान मिलेगा वो लेके आएंगे और ये रूम पे रखेंगे, वो मुझे पकड़ के यहाँ पे बैठाएंगे, वो खेलेंगे, मुझे बैठ के देखना है। अब थोड़ा बहुत किचन में जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे, फिर उन्हें लगा ये देखो, ऐ देखो अकेले घर में नहीं जाएंगे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। हाँ लाइट ऑफ है इसलिए वो उसको डर लगती है, लाइट ऑन कर दिया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। और फ्रेंड्स आज का वीडियो मैंने यहाँ पे ख़त्म करूँगी, ज़्यादा बड़ नहीं करूँगी। ये ड्रायर मैनम का सारे शू मैंने रखा, एक एक करके शू ले जाएंगे और लिविंग रूम में सब सजा के रखेंगे, और मेरा काम ज़्यादा बढ़ेगी, एक लेके आया इसी करके सारे लेके आएगी। और अनम का जो स्कूल का ड्रेस है, इतना दिन बाद स्कूल का ड्रेस मिला उसको, ये स्कर्ट है मेरून कलर का स्कर्ट, और टी शर्ट है फुल स्लीव टी शर्ट है, तो उसको मैंने धोल दिया। और देखिए अनम, मैं भूला ना इस तरह का काम करते अनम हमेशा है, सारे शूज निकाल के ऐसे ऐसे सजाएंगे, और उसका जो पोटी पॉड है वो भी यहाँ पे लेके आया। अभी बहुत विंटर है इधर कोच बिहार में, ठंडी है, तो देखो वो सॉक्स मैंने पहना देती हूँ, और वो सॉक्स सारे खोल के फेंक दिया इधर, देखो सॉक्स पहनते नहीं, जितना बार मैं पहनाने जा रही हूँ उतना बार ही वो खोल के फेंक देते, तो अभी कैसे घूम रहे देखो।
तो फ्रेंड्स चलिए, और उसको मुझे अभी सॉक्स और शू पहनना है और खाना थोड़ा बहुत खिलाने के ट्राई करूँगी, देखते कितना खाए, फिर इसको उसको सुलाना है। कल सुबह उसका स्कूल है, अभी इसको 2 दिन ठीक था, अभी से वो खाना नहीं खा रहे, मुझे इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करके इसको खिलाना है, ताकि वीडियो ऑन करके इसको खिला भी नहीं सकते, इतना रोने लगते। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगी, क्योंकि 10:15 हो चुका ऑलरेडी। ये देखिए टाइमिंग, तो ना मैं इसे खेलते रहेगी रात भर, वो जितना मैं उसको खुद नहीं चलाएंगे ना, तो वो रात देर तक इसे खेलते रहेगी। प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो जो सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा देख लीजिए, जो जो वीडियो हम छाड़ते आप लोग देखोगे तो अब मेरा चैनल को मैं बार पाऊँगी और मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इसीलिए मैं और ब्लॉग डालूँगी। मुझे लग रही है तो आप लोग देखते नहीं, मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, थोड़ा बहुत गलती भी हो सकते, तो आप लोग जरूर देखिए। और मैं जितना रियल मैं घर में रहती हूँ, जितना मैं रियल वही दिखाती हूँ। तो इसे है हमारा जिंदगी, सिंपल लाइफ स्टाइल, बिजी लाइफ। देखिए अनम क्या कर रहे, ड्रायर खुल के सारे शू लेके आया और यहाँ पे सजा रही। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।